हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैचिंग आइडल। दोस्तों 18 जून 2004 यानी कि 20 साल पहले रिलीज हुई थी प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी और डायरेक्टर फरहान अख्तर की फिल्म लक्ष्य स्टारिंग द गॉड ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन एंड प्रीति जिंटा। ये फिल्म मैंने बैंड्रा के गेटी गैलेक्सी में फर्स्ट डे मैटनी शो देखी थी। ये रहा 20 साल पुराना टिकट, आपको उल्टा देखिएगा 18 जून 2004। किसी यूट्यूबर के पास नहीं होगा, सिर्फ मेरे पास रहेगा, किसी के पास मिलेगा ही नहीं टिकट। आई एम द रियल फिल्म लवर। तो ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तो जाहिर बात है इतनी बड़ी कास्ट है और दिल चाहता है के बाद ये फिल्म आई थी, फरहान अख्तर की फिल्म दिल चाहता है उसके बाद ये फिल्म रिलीज हुई थी। ऋतिक रोशन राइजिंग सुपर स्टार, बच्चन साहब पिक्चर में प्रीति जिंटा थी, गाने सुपर हिट थे, शंकर लॉय का म्यूजिक था। तो जाहिर बात है फिल्म तो फर्स्ट डे हाउसफुल थी सब जगह पे, ऑलमोस्ट सब जगह पे हाउसफुल थी। और फिल्म की कहानी एक कॉलेज स्टूडेंट की होती है, अपना जिंदगी अपना क्या लक्ष्य होता है और वो फ्यूचर में क्या करना चाहता है, किस तरह से वो नेवी में जाता है। और जो पिक्चर का जो स्क्रीन पे स्टोरी लिखा था जावेद अख्तर साहब ने, द स्टोरी वॉज नॉट अप टू द मार्क एंड स्क्रीन पे भी बहुत वीक था पिक्चर का, ऑडियंस को भान नहीं पाई, इतनी स्लो पिक्चर थी कि ऑडियंस फिल्म देखते देखते बोर हो गई थी। तस्मी गाई द फिल्म वॉज नॉट सक्सेस इन द बॉक्स ऑफिस, फिल्म फ्लॉप हो गई थी। बोले ये लोग कुछ भी बोले, मीडिया कुछ भी बोले, फिल्म नहीं चली थी, मैं जीता था सबूत मैं ही हूँ। और परफॉर्मेंस की बात करें तो बच्चन साहब का उतना बड़ा रोल नहीं था, बट उन्होंने ओके काम किया था, ही वॉज ओके। ऋतिक रोशन का काम भी उतना पावरफुल नहीं था, एज अ यंगस्टर वो अच्छा था, फौज में जाता है, उतना दमदार रोल नहीं किया उन्होंने, जो ऑडियंस चाहती थी उस तरह का उनका परफॉर्मेंस निखर के नहीं आया। प्रीति जिंटा वॉज ऑल्सो अबाउट जस्ट ओके। हाँ, लेकिन ऋतिक रोशन का डांस वॉज माइंड ब्लोइंग, प्रबोध देवा जी ने उनको आई थिंक कोरियोग्राफ किया था। मैं ऐसा क्यों हूँ, शंकर लॉय का म्यूजिक था एंड ही गॉट प्रबोध देवा जी को नेशनल अवार्ड मिला था डांस के लिए। सुपर डांस था, जबरदस्त डांस था, तो वो गाने में पैसा वसूल था। बाकी फिल्म तो बिलो एवरेज थी, ऑडियंस को फिल्म पसंद नहीं आई थी। फरहान अख्तर का जो डायरेक्शन था वो भी काफी वीक था, ऑडियंस जिस तरह से उन्होंने स्टोरी को नैरेट किया, शुरुआत अच्छी होती है लेकिन धीरे धीरे जैसे फिल्म प्रोग्रेस होती है तो उनका डायरेक्शन धीमे धीमे ढीला पड़ता गया और क्लाइमेक्स तक उसका उनका डायरेक्शन पूरा मर गया। ट्रस्ट मी गाइस, तो वो फिल्म नहीं चली थी, ऑडियंस को फरहान अख्तर का डायरेक्शन पसंद नहीं आया था। शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक अच्छा था, वो मैं ऐसा क्यों तो गाना सुपर डुपर हिट हुआ था और दूसरा एक गाना अगर मैं कहूँ वो गाना भी काफी अच्छा था। म्यूजिक वॉज ओके, नॉट बैड, एक गाना दो गाना सुपर हिट थे, बाकी दूसरे गाने भी ओके ही थे। सिनेमाटोग्राफी पिक्चर ही काफी अच्छी थी, वो बहुत ब्यूटीफुल तरह से शूट किया था इस पिक्चर को। अब देखो जो सीन्स बताए थे वो इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे, पर ब्यूटीफुल सीन से फिल्म नहीं चलती, फिल्म चलती उसकी स्टोरी स्क्रीन पर और मजबूत डायरेक्शन से, जो इस पिक्चर में मिसिंग था। तो आज इस पिक्चर को कंप्लीट हो गए 20 साल, तो आज मैंने सुना है झूके लीडो सिनेमा में फरहान अख्तर रितेश सिद्धवानी ने इसकी स्क्रीनिंग रखी थी, फ्री स्क्रीनिंग रखी थी फिल्म लवर्स के लिए और काफ़ी लोग गए थे फिल्म देखने। आईडी नहीं वगैरह मुझे पता था तो मैं भी जाता, उनको टिकट भी दिखा था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर कभी जब मौका मिलेगा तो डेफिनेटली दिखाऊंगा। तो 20 साल कंप्लीट किए इस पिक्चर ने, तो यूज कॉन्ग्रेट्स टू द गॉड ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा, फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी एंड एंटायर कास्ट एंड क्रू ऑफ लक्ष्य, जो 18 जून 2004 को रिलीज हुई थी, तो आज उसके 20 साल कंप्लीट हुए। ह्यूज ह्यूज कांग्रेस एंटायर कास्ट एंड क्रू। सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।